हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू स्टडीज और आज है मंडे एंड वी आर बैक विथ सम इंटरेस्टिंग न्यूज सो मेक शोर करना कि पूरा सेशन देखो आप आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस जो होने वाली है फ्रॉम द हिंदू देन हम कवर करेंगे आपका करंट अफेयर का पोर्शन एंड लास्टली आपकी वो कैब का पार्ट और ये सब कुछ होने वाला है सिर्फ और सिर्फ टेन मिनट्स के आंडेर सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू नॉट फेट टू हिट ऑन दैट टाइम नियर इट सो दैट एवरी डे जब सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए विद दैट एंड लेट स्टार्ट टू सेशन आज की फर्स्ट न्यूज इज अबाउट ओलंपिक्स एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया फाइनली हमारा खाता खुल गया है एंड इट हैपेंड बिकॉज ऑफ है है ओके शी इज फर्स्ट इंडियन विमेन शूटर है जिन्होंने हमें ओलंपिक में मेडल दिलाया है ये सिल्वर विन कर जाती बट देखा गया जस्ट बिकॉज ऑफ फ्यू पॉइंट शी मिस्ड इट एंड वी गॉट आर फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल ओके सो नाम इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारा फर्स्ट ब्रॉन्ज मेडल आया है एंड इट इज बिकॉज ऑफ मनो भाकर ओके सो शी गॉड एड एंड शी इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन शूटर टू विन एन ओलंपिक मेडल सो यू नो इट्स बिग न्यूज इससे हमारा खाता खुलता है और इंडिया आ जाता है ट्वेंटी सेकेंड पोजिशन पे इन दी टैली अभी हमारी पोजिशन काफी लो चल रही है बट वील सी हाउ इट ऑल चेंजेस ओके नेक्स्ट आएंगे थोड़ा सा हम ओलंपिक्स के बारे में स्टार्टिंग्स भी स्टडी कर लेते हैं थे कि इस बार आपका पेरिस में हो रहा है ओलंपिक्स कौन एडिशन एडिशन हो रहा है ऑफ ओलंपिक्स आपका पेरिस होस्ट कर रहा है दिस मार्क्स सिटीज थर्ड टाइम होस्टिंग समर ओलंपिक्स तो थर्ड टाइम है जब आपका पेरिस ये पर्टिकुलर इवेंट होस्ट कर रहा है इट ऑल्सो मार्क्स सिक्स टाइम फ्रांस हैज होस्टेड दी ओलंपिक्स बोथ समर एंड विंटर The first since 1992, so, 1992 in Albert, so, first time का था आपकी फ्रांस ने इन वाज टू विंटर ओलंपिक्स, इस बार का आपका मोटो है गेम्स वाइड ओपन सो so, मोटो भी आपको याद रखना है स्टार्टिंग में आपका आ सकता है ओके okay? फर्स्ट मॉडल ओलम्पिक्स आपकी काबू हुए थे ये हुए थे आपकी एथेंस ग्रीस में 1896 में तो फर्स्ट मॉडल ओलम्पिक्स आपकी हुए थे पी वी सिंधु एंड अचंदर खमाल ओके नेक्स्ट में आएंगे हम खान क्वेस्ट से रिलेटेड आपकी न्यूज है अब देखो रिसेंटली इसकी ट्वेंटी फर्स्ट एडिशन ऑफ खान क्वेस्ट स्टार्टेड जो आपका पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये मल्टीलेट्रल एक्सरसाइज है ओके इट्स अ एक्सरसाइज मल्टीलेटरसाइज वल्टीलेटरल मीन इसमें काफी सारी आपकी कंट्रीज पार्टिसिपेट करती है जैसे इस बार है आपकी ऑस्ट्रेलिया कैनेडा चाइना जापान टर्की यूएस है, है? है। Army, आपकी एंड यूके है ठीक है इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रही है इंडियन आर्मी आपकी कंट्रीजन डिपार्ट हो चुकी है फॉर दी एक्सरसाइज खान क्वेस्ट कब हो रही है आपकी ये कंडक्ट हो रही है ट्वेंटी सेवन जुलाई टू नाइन्थ ऑगस्ट तक आपकी एक्सरसाइज चलेगी कहाँ होगी लोकेशन इम्पोर्टेंट है मंगोलिया की कैपिटल उलन बतार में हो रही है आपकी ठीक है एक और ट्रिप अगर आप एक्सरसाइजेस भी रिवाइज कर रहे हो या लर्न कर रहे हो दे आर जस्ट थ्री थिंग्स एट यू नीड टू नो फर्स्टली कौन से कौन से इसमें पार्टिसिपेंट है राइट सो फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो कि कौन सी कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है नेक्स्ट चीज़ आता है आपकी एडिशन कौन सा कंडक्ट हो रहा है एंड लास्टली जो इंपॉर्टेंट होता है इसकी लोकेशन की आपकी एक्सरसाइज होकर आ रही है तो अगर आप ये तीन चीजें पढ़ लेते हो तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है कमिंग बैक आपकी जो एक्सरसाइज है ये मिलिट्री एक्सरसाइज ये स्टार्ट हुई थी टू में उस टाइम पर ये बायोलिट्रल एक्सरसाइज थी इसमें बस आपका यूएस पार्टिसिपेट करता था और मंगोलिया पार्टिसिपेट करती थी देन देखा गया कि 2008 में दे यू you know, नो इंक्रीज द स्पेक्ट्रम एंड इन्होंने और फ्रेंडली कंट्रीज को इनवाइट करना स्टार्ट कर दिया आपकी इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में नेक्स्ट थिंग हम देखेंगे देखो इंडिया और मंगोलिया के बीच में जो आपकी बायोलिट्रल एक्सरसाइज होती है दैट इज नोमैडिक एलिफेंट ओके सो नोमैडिक एलिफेंट जो हमारी बायोलिट्रल एक्सरसाइज होती है इसका सिक्सटीन एडिशन आपका कंडक्ट हुआ था ट्वेंटी में भी जुलाई में आपको याद रखना है कहाँ हुआ था मेघालय में हुआ था सो दिस इज इम्पोर्टेंट ओके ऑल ऑफ दिस यू विल गेट द डी एफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां पर जाके डाउनलोड करके एक बार धीरे जरूर करना नेक्स्ट आएंगे हम मंगोलिया पे अब मंगोलिया कहाँ पर सिचुएटेड है आपका देखो यहाँ नीचे है आपका चाइना ऊपर है आपका रशिया और बीच में है आपका ये मंगोलिया जिसे आप देख सकते हो ओके, इसकी कैपिटल हाँ पर जिसे आप देख सकते हो। ठीक है, भी भी आपका काफी ज़्यादा अभी प्रेजेंट पे बहुत न्यूज़ में भी रहा। सीन जो ओलंपिक्स में उन लोगों की जो ड्रेसेस थी देवर यू नो नेम्ड एज द बेस्ट ड्रेस आउट देयर सो वो भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड कर रहा था आपका मंगोलिया वेरी गुड नेक्स्ट आएंगे हम गुलान हाइट से रिलेटेड आपकी न्यूज आई है आप देखो ये जो आपकी न्यूज आई है इट्स अबाउट इजराइल ठीक है अगर आप तीन यहाँ पे लोगों को कंसिडर करते हो कंट्रीज को जिससे रिलेटेड ये न्यूज है यहाँ पर पहला आ जाता है आपका इजराइल ओके नेक्स्ट आ जाता है आपका ईरान एंड फिर आता है आपका लेबनन आप सबको पता है कि इजराइल में आपकी वॉर चल रही है जो आपकी गाजा में जो हामाज थी राइट गाजा में जो हामाज थे उन्होंने अटैक स्टार्ट करा उसके बाद में आपकी गाजा और इसराइल के बीच में वॉर स्टार्ट हो गई अब ये जो आपके हामाज है इन्हें कौन सपोर्ट करते हैं इन्हें सपोर्ट करते हैं आपके हिजबुल्ला हिजबुल्ला आर लुकीडेड लेबिनन की साधन पोर्शन में है यू कैन सी इन द मैप ये लेबेन है और उसकी साधन पोर्शन में आपकी हिजबुल्ला डिसाइड करते हैं ये भी आपकी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ही है एंड दे सपोर्ट हमास और इन सबको बैकिंग कौन देता है आपका ईरान बैकिंग देता है इन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस को अब देखा जाता है देखो कि आपके जो लेबनिन के लोग हैं लेबेनिन के लोग नहीं मानेंगे आप हिजबुल्ला जो बेसिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये अटैक्स करते रहते हैं इसराइल पे और इसराइल भी उन उनपे वापस वापस अटैक्स करते रहते हैं राइट right? अब रिसेंटली देखा गया कि ये जो हिजबुल्ला है इन्होंने ये गुलाम हाइट दिस रीजन दैट यू कूड सीन द मैप ओके यहाँ पर इन्होंने अटैक करा और यहाँ पर आपकी इसराइल के रेजिडेंट्स रहते हैं सो so, इस पोर्शन में इन्होंने अटैक किया ओरिजिनली आपका सीरिया का पार्ट था ये जिसे ऑक्यूपाई कर लिया था एंड वहां पर रह रहे attack, कि 12 so अब अब टीपल ने बोला है कि हम अवेंज करेंगे हम स्ट्राइक बैक करेंगे जो आपने हम पे अटैक किया है ओके सो इज़राइल ने लेबिनन को बोला है और सेम थिंग ईरान वट कि अगर आप अटैक करते हो देन वी आर ऑल्सो वन अटैक So इससे लग रहा है है, कि जो आपकी वॉर की सिचुएशन वो इतनी जल्दी तो एंड नहीं होगी बिकॉज नन ऑफ द पार्टी इज विलिंग टू गिव अप कोई भी पार्टी आपकी गिव अप नहीं कर रही है तो वॉर ये काफी लंबे समय तक चलने वाली है अभी सिचुएशन देखिए यही लग रहा है आपको पता होना चाहिए गुलान हाइट कहाँ पर लोकेटेड है ओके okay? नेक्स्ट आते हैं हम हाँ. चाइना और इटली से रिलेटेड न्यूज है रिसेंट में इटली एंड चाइना ने साइन किया है एक थ्री ईयर एक्शन प्लान ड्यूरिंग दि मेलो विजिट अब आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है देखो अगर आप इस न्यूज को देखोगे आपको लगेगा मे बी इटली भी आपका चाइना से इन्फ्लुएंस हो रहा है और चाइना की साइड जा रहा है ऐसा नहीं है इट्स ए नॉर्मल थ्री ईयर एक्शन प्लान अगर आप देखोगे इटली हैज़ यू नो बेटर टर्म्स विद इंडिया इफ यू कम्पेयर सो हमारे काफी अच्छे टर्म्स है बेल्ट एंड रोड इनिशियटिव था जो चाइना ने स्टार्ट किया था बेसिकली जिसके अंडर वो सब लोगों को ज्वाइन करवा रहा था उसमें भी इटली ने बैक ऑफ कर दिया था इटली डिसाइडेड नॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट बेल्ट इंड रोड इनिशियटिव नाउ वट इज गोइंग इट्स अ नॉर्मल थ्री इयर एक्शन प्लान नॉट अ बिग थिंग और नॉट अ बिग इश्यू ऑल्सो हिस्स नेक्स्ट आते हैं हम हाँ. देखो रिसेंट में आपकी मोस्ट एक्सपेक्टेड कारंट अफेयर फोर सी डी एस एन ए एन एफ कैट टू के लिए आ चुका है इसका सेकेंड पार्ट सो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर करना कि आप जाके जरूर देखो एक बार ठीक है काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हैंड पिक्ड करंट अफेयर्स हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमने शॉर्टलिस्ट करे हैं करंट अफेयर्स और आपको वही देखने को मिलेंगे इस वीडियो में जैसे फिफ्टीन मिनट्स वीडियो बहुत लंबी वीडियो भी नहीं है फिफ्टीन मिनट्स में आप सारे करंट अफेयर्स एक्सेस कर पाओगे सो so, Cat जिनका है वो तो रिविजन करने के लिए अभी जरूर देखे सीडीएस एन ए वाले भी जरूर देखें काफी अच्छे हैं उसमें काफी सारे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं ड्यूरिंग द सेशन सो मेक श्योर करना कि आप आंसर करो इट विल हेल्प यू गाई ओनली एंड हेल्प पिन दैट वीडियो सो किसी ने जिसने नहीं देखी है जरूर जाके देखना नेक्स्ट आते हैं हम सी ए पोर्सन पे अब ये आपकी mal नेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की गई है जो अभी हमने डिस्कस की है जिसमें आपकी इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करने वाली है 27 जुलाई से 9 अगस्त तक हो रही है उलानबटोर मंगोलिया में हो रही है कौन सी एक्सरसाइज है ये वेरी इजी खान क्वेस्ट 21st एडिशन इसका कंडक्ट हो रहा है नेक्स्ट आते हैं इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक हैज दिस एटॉमिक डायर फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च आइडेंटिफाइड लिथियम रिसोर्स अब लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए लीथियम आ, मेटल है आपका इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए क्योंकि ये सारी जो भी आपकी नई जनरेशन गैंड यूज होता है तो इंपॉर्टेंट है एंड फाइनली ये मिला है आपका कर्नाटका में काफी यूज अमाउंट में मिला है कौन से कौन कौनसी दो डिस्ट्रिक्ट दैट इज मंडाया एंड यदगिरी जहाँ पर ये आपका मिला है पर्टिकुलर सोर्स नेक्स्ट आते हैं विच मेडल मनो भाकर विन इन योर विमेन्स टेन मीटर एयर पिस्टल शूटिंग इवेंट जो आपका पैरस ओलंपिक्स में हुआ है हम सबको पता है दैट इज ब्रॉन्स है ओके नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज अट्रैक्शन इज सेट टू बी इनग्रेटेड एट टूम कॉम्प्लेक्स इन डेली अब यूमायोज और जो टूम है कॉम्प्लेक्स जो आपका डेली में है पीछे आप देख सकती हूँ वहां पर एक न्यू अट्रैक्शन आपकी ओपन होने वाली है एंडियम ओपन होने वाले है। लिए जाती है। minister, शंकर, Gandhi, अभी कहा टोक्यो में किया है। आपकी रिसेंट मे क्वार की मीटिंग हुई थी ठीक है क्वार की मीटिंग थी मिनिस्टर मीटिंग थी जिसमें आपके सारे के सारे मेंबर्स के जो मिनिस्टर्स थी उनके बीच में एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी उस टाइम पर टोक्यो में आपके मिनिस्टर ने ये किया है, अब आपके लिए जो क्वेश्चन आता है जो आप बताओगे के मेंबर्स कितने है, ठीक है कितने मेंबर्स हैं और कब फाउंड हुआ था ये स्टेब्लिश हुई थी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों चीजें आपको कमेंट्स में नेक्स्ट आते हैं टॉप टू तो वर्ल्ड फोर टूडे तो तो पे फर्स्ट वर्ड है स्पेट व्हिच इज तो अ लार्ज नंबर अमाउंट ऑफ वन टाइम एक साथ बहुत सारी चीजें हो रही है इसके जो आप अगर सिनोनिम्स uh, की बात करोगे तो सर्ज सर्ज इज ऑल्सो एन सिनोनिम फॉर स्पेट देन वी हैव व्हिच इज एक्सट्रीम अनविलिंगनेस टू स्पेंड मनी और एनी देन वी हैव अशर अ पर्सन हु शोज पीपल टू देर सीट्स इन थिएटर चर्च एक्सेट्रा जब आपको गाइड करते हैं दिस इज योर सीन अ थिएटर और अ चर्च देन वी हैव रिवे न्यू अगेन आप एकदम चेंज कर दोगे उसे कर दोगे लास्टली हम आ जाएंगे क्वेश्चन इसके साथ एक और भी आप करना, जो हमारा सोलर प्लान उसमें सोलर सिस्टम है बेसिकली ठीक है उस सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून कौन सा है एंड वो मून किस प्लानट का है बहुत ईजी है आई गेस आपको पता होगा वो भी जरूर आंसर करना एंड विद एंड ऑफ द सेशन आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा अगर लगा देन प्लीज लाइक द सेशन शेयर द सेशन विद ऑल योर फ्रेंड एंड नोटेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल विदाउट एंड द सेशन है थैंक यू फॉर वॉचिंग